में जो भी पूर्व पहले से स्थापित मूर्तियाँ होंगी, हालांकि मैंने देखा है उसके दीवारों पर बने हुए हैं चित्र, उसमें सभी देवताओं के विग्रह बने हुए हैं, और उसकी पूजा भी होती थी। और ठीक उसके सामने एक महीने तक रामचरित मानस का उपदेश होता था, वाचन प्रवचन होता था, निरंतर होता था कार्तिक महीने में। बीच बीच में और भी वहाँ पर कार्यक्रम होते रहे, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि वो सही सुरक्षित हालत में होगा और वहाँ पर हम पूजा पाठ मंदिर की ओर से पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से उसको करा सकेंगे। किस तरीके से रूपरेखा तैयार करेंगे, चूंकि आप लोग के ही हाथ में है कि नहीं, उसका हमको हमारे परिसर में ही है वो जी, कहीं बाहर जाना नहीं है। अब परिसर में होने का लाभ यह है कि हमारे पास जो भी पुजारी हैं, अर्चक हैं, वो पर्याप्त मात्रा में है। उसमें किसी पांच को हम ड्यूटी पर लगा देंगे, सुबह शाम रात तक उसका पूजन भजन जो भी विधि सम्मत तरीका है उससे होगा। तो पहले एक बार उसको देख लेने की ज़रूरत है, उसको समझ लेने की ज़रूरत है। फिर आपस में भी जो हम लोग अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीएम साहब हैं, या अभी एक नए कार्यपालक आ गए हैं, कल हम लोग मिलकर बात करेंगे और उसका निरीक्षण करके एक निर्णय लेंगे।